हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल नॉलेज इन हिंदी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई थी आप लोगों को पता होगा, अगर ये नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के अंतर्गत LCT और UCT की, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो है 64 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है इसकी 19 दिसंबर है, जी हाँ 19 दिसंबर है। तो मैं आज आप लोगों को इसका फॉर्म कैसे भरना है इसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, और यदि आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें 52 पोस्ट हैं तो आपके पास 12 प्लस टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग दोनों ही चलेगी, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सभी सेंटर पड़ेंगे ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली या औरंगाबाद चेन्नई गुवाहाटी कोलकाता लखनऊ चंडीगढ़ सभी जगह इसके सेंटर पड़ेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन है इसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो मैं आज इसके लिए आपको वीडियो लेके आऊँ ताकि आप लोगों से ये फॉर्म अगर छूट गया है तो ना छूटे और 19 तारीख से पहले पहले आप इसे फिल कर दें। और इसमें जो है मात्र 100 रुपये जनरल OBC के लिए है, और यदि आप SC ST फीमेल PWA PWD EWS एक्स सर्विसमैन सब पी के लिए इसमें जो है फ्री ओके। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसका फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं पता तो। इस तरीके से आप देखें यहाँ पे इनकी साइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को क्लिक करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यदि आप यहाँ की इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट उसकी 19 दिसंबर है, तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा फॉर्म है, ऑल ओवर इंडिया सेंटर पढ़ना है इसका, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए सबसे नीचे आप लोग को आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, यदि आप लोगों से फॉर्म छूट गया है तो प्लीज इसे भरिए और पोस्ट अप्लाई फॉर आप लोग देख लेंगे। अगर आप UBC के लिए भरना चाहते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भर दीजिएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भरना चाहते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क डाल देता हूँ, आप जिसके लिए एलिजिबल है वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आप दोनों के लिए भी डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊँ तो दोनों के लिए डाल सकते हैं, बट ये है कि जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में UDC वालों के लिए और इवनिंग शिफ्ट में LDC वालों के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि LDC वालों का मॉर्निंग हो UDC वालों का इवनिंग हो, लेकिन होना एक सेंटर पे, ठीक है। तो यदि आप लोग ग्रेजुएट है तो दोनों के लिए भर सकते हैं, और यदि आप ओनली इंटर हैं तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क का भर सकते हैं, ठीक है। तो आप इंटर हैं तो इसके लिए बहुत जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे औरंगाबाद चंडीगढ़ चेन्नई दिल्ली गुवाहाटी कोलकाता लखनऊ जो आपके पास हो वो डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ क्योंकि दिल्ली मेरे पास है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो डालिए, और लास्ट नेम भी है तो वही डालिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम डाल देता हूँ, ठीक है, आपका जैसा हो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद बारी आती है फादर नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे आप फादर नेम डाल दीजिए, तो मैं फादर नेम भी आगे बता दूँ, मदर नेम भी आगे बता दूँ, किसी प्रकार श्री मिस्टर लेट प्रोफेसर वगैरह ऐसी चीज मत लगाइएगा, सीधे सीधे नाम लिखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप मदर नेम लिख दीजिएगा, मदर नेम के बाद आपकी बारी आती है लीगल गार्डियन नेम, ठीक है। आपके कोई मतलब कोई गार्डियन है जो लीगल है, जो मतलब आप मदर और फादर के अलावा, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए नीचे आइए, नीचे आने के बाद अब आप लोगों को जेंडर भरना है, जेंडर मेल फीमेल आप जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वेदर डोमिसाइल इन स्टेट जम्मू कश्मीर 80 to 89, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अगर डोमिसाइल है 80 और 89 के बीच का तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे सीधे सीधे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है PWD का, ठीक है। तो यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप PWD के लिए यस करेंगे, ठीक
फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी है तो आप पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है आपकी ब्लाइंडनेस ईयरनेस जो भी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे अपने, ठीक है। तो यदि पीडब्ल्यूडी से नहीं है आप फिजिकल हैंडीकैप तो यहाँ पे नो कर देंगे। ओके, नो करने के बाद अब आप नेक्स्ट ऑप्शन भरेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे, वेदर कैटेगरी आपकी, आपकी अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी देंगे जो भी जनरल एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। तो मैं ओबीसी से हूँ तो मैं यहाँ पे ओबीसी डाल दूंगा, ठीक है। आप जिससे बिलोंग करते हैं आप वो डाल दीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है एक्स सर्विस मैन, यदि हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। और इसके बाद यदि आप विडो डिवोर्स्ड वुमेन वगैरह हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आती है आप सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है। लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड 3 साल से कम अगर रेगुलर सर्विस की हुई तो यहाँ पे यस कर देंगे, तो नो, ठीक है। मैं यहाँ पे सारे नो कर दूँगा, आप देख लीजिएगा जो भी है आप, ठीक है। एक्स सर्विस मैन से हैं या विडो वगैरह हैं जो भी, ठीक है। अब इसके बाद जो बारी आती है होती है डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग बता दूँ यहाँ पे जो डेट मांगी गई है वो 18 से 27 साल डेट बहुत अच्छी है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है एज में। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी है तो आपको उसी प्रकार से छूट मिलेगी जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, ठीक है। 3, 5 साल, 10 साल जो भी होती है, ठीक है। इसके बाद नेशनलिटी आती है, नेशनलिटी आपकी कौन सी, इंडियन नेपाली भूटानी जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं तो इंडियन इंडियन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बारी आती है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की, तो जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अपना शहर डाल दीजिएगा जो भी आपका शहर है, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है डिस्ट्रिक्ट की, तो जो डिस्ट्रिक्ट है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका स्टेट है जो भी स्टेट है आपका, ठीक है। मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा, आपका जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पिन कोड जरूर दीजिएगा, ठीक है। पिन कोड का ध्यान रखिएगा। पिन कोड के बाद देखिए अब इसके बाद बारी आती है आपकी परमानेंट एड्रेस की, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि आपका दोनों एक ही है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस भी आप इसी तरीके से भर देंगे, ठीक है। और यदि सेम है तो सीएसबी यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में आप लोग जानते हैं। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ के आप मूल निवासी होते हैं, जहाँ के मम्मी पापा दादा दादी मतलब आपके मूल निवासी होते हैं, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप टेम्परेरी रूप से रह रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और सेकेंडरी मोबाइल नंबर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी ईमेल आईडी डालनी है, यदि है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सेंड ओटीपी क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उस ओटीपी को डाल करके आपके वेरीगेट मोबाइल नंबर पे आप लोग को क्लिक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका जो वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, ठीक है। और यदि सेकंड ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए रजिस्टर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अपने आप यहाँ पे आ गए 12th, तो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि मैंने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भरा था, यहाँ पर 12th अपने आप आ गया, ठीक है। तो 12th इसमें चाहिए। और इसके बाद देखिए, इसके बाद साफ साफ लिख रहा है 12th क्लास ऑफ इक्विवेलेंट क्लास एज ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका 12th क्लास या उसका जो इक्विवेलेंट है, ठीक है। और डेट ऑफ इक्वायरिंग एजेंसियल क्वालिफिकेशन, आपने डेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपके कितने परसेंटेज आए थे वो परसेंटेज यहाँ डाल दीजिएगा जरूर। इसके बाद आपकी क्या डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, ठीक है। इसके बाद जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यदि आप आपके पास कुछ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यदि ग्रेजुएशन वगैरह तो डाल दीजिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो इंटर चाहिए। डू यू हैव आधार कार्ड, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड चूज करना है, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, ठीक है। यदि यस है तो यहाँ पे यस कर देंगे। और देखिए जो भी आप यहाँ पे देंगे तो ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी रिटर्न टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने आधार कार्ड यस कर दिया, तो आपको अब यहाँ पे जो भी 12 डिजिट का जो भी अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल, ये जो आईडी है, ये ओरिजिनल आईडी आपको रिटर्न टेस्ट के समय लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद आपसे यहाँ पे दूसरी आईडी के बारे में पूछेगा जरूर।
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आपने नोट किया, इसमें दूसरी गाड़ी के बारे में आपसे पूछ लिया, आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने वोटर आईडी सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे जो भी है अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आईडी है आपको लेके जानी पड़ेगी रिटर्न टेस्ट में, इसी का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद स्किल टेस्ट किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, तो जिसमें देना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिए। या फिर अब आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये जमा करना है। ठीक है, 100 रुपये जमा करना है तो आपको यहाँ पे नीचे एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग को एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सीधे कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए, अब आपको ये कैप्चा जो है नीचे डाल देना। ठीक है, जो जो ये कैप्चा लिखा हुआ बिल्कुल उसी तरीके से आपको। ठीक है, इसके बाद आप लोग को यदि आप लोग को एडिट करना है, कुछ दिक्कत है इसमें, ठीक है, तो आप इसे एडिट करके ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे स्टेप 1 प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इस प्रकार का पेज ओपन रहेगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फोटो और जो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सैंपल दे रखा है। ठीक है, आपका लिख रहा है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और लेस देन 50 KB, यानी कि 50 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्लिक हेयर करके यहाँ पे आप सैंपल दे सकते हैं। सैंपल देखिए, फोटो के साथ सिग्नेचर, ये सैंपल है इसका, फोटो और सिग्नेचर दोनों एक साथ स्कैन करके आपको लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जहाँ भी आपने फाइल रखी है वहाँ से आप इसको फाइल को उठा लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे अपलोड फोटो कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये मेरा कंबाइंड है, फोटो प्लस सिग्नेचर एक साथ है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको स्कैन करके रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर भी आपका 50 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, जहाँ भी सिग्नेचर पड़ा वहाँ से सिग्नेचर को भी इसी प्रकार से आप उठा लेंगे, अपलोड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर दोनों आपके अपलोड हो चुके हैं, इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, और साइज जो है 250 KB से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और यदि आप PWD हैं तो PWD, और इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, और इसके बाद इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, जो एप्लीकेबल है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट है, मार्कशीट है, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो सभी को इसी प्रकार से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, 250 KB से कम के होने चाहिए सभी, और इसके बाद स्टेप 2 प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो चुके हैं। ठीक है, फोटो सिग्नेचर सभी कुछ यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो ये सब कुछ होने के बाद आप फटाफट से स्टेप 2 प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये कह रहा है यस, तो प्लीज श्योर यू हैव अपलोड फोटो सिग्नेचर विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यस ओके। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसके बाद जैसे आप स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म जो है ये पूरी तरीके से भरा जा चुका है। पूरी तरीके से आप चेक कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग है मेरे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप SC ST या वुमेन वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सीधे पेंट निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे सीधे सीधे आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, एडिट एप्लीकेशन करके आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं अगर कुछ गलती है तो, नहीं तो फिर आप यहाँ सीधे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरल और OBC के कैंडिडेट अदर कैंडिडेट को सीधे सीधे प्रिंट निकालना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिल टैक्स आ गया। ठीक है, पेमेंट का आ गया यहाँ पे। आप पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जिससे करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं डेबिट से करना चाहता हूँ, डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का मुझे जो भी नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी एक्सपायरी डेट है मुझे वो डालनी पड़ेगी यहाँ पे। और इसके अलावा आपको CVC नंबर जो भी कार्ड के पीछे लिखा होगा, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। कार्ड होल्डर का आपको नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके बाद सीधे यहाँ पे मेन पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद जो है आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे, और जैसे ही एग्जाम होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, और या मुझे पता चल जाएगा तो ना आप लोगों को वीडियो बना के या नोटिफिकेशन से आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ या लेके आऊँ, कुछ भी लाऊँ, तो आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो जाने से पहले मैं एक बार वो यही कहूँगा कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। फॉर्म बहुत ही अच्छा है और ऑल ओवर इंडिया मतलब सेंटर पड़ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं किसी स्टेट में आपको सेंटर एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, तो जहाँ आपका पॉसिबल हो, जैसा पॉसिबल एग्जामिनेशन सेंटर डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।